अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका हमारी YouTube चैनल सेहत यूनानी मालूमात पे इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपको खांसी के लिए एक ज़बरदस्त दवा बताने वाला हूँ जो आपकी खांसी में 2 से 3 दिन में आराम दिलाएगी। यदि आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, आजकल हर 10 में से 4 व्यक्ति खांसी की बीमारी से परेशान रहता है, फिर वह बड़ी उम्र वाले हो या छोटी उम्र वाले। दोस्तों, खांसी एक ऐसी बीमारी है कि जो इंसान को पूरी तरह से परेशान करके रख देती है। परेशान व्यक्ति खांसी के लिए कुछ न कुछ उपाय ढूंढते रहते हैं, कहीं डॉक्टर के पास, कहीं घरेलू उपाय, लेकिन फिर भी खांसी से निजात नहीं मिलती। दोस्तों, खांसी 2 प्रकार की होती है, एक गीली और दूसरी सूखी। 2 प्रकार की खांसी होती है। सामान्य खांसी दिनचर्या और दैनिक आहार में गड़बड़ होने से भी खांसी चलने लगती है, इसे सामान्य खांसी कहते हैं। गले में संक्रमण होने पर, खराश और सोत होने पर खांसी चलने लगती है। खराब तेल से बना व्यंजन खाने, खटाई खाने, चिकना युक्त खुराक, तुरंत ठंडा पानी पीने आदि कारणों से खांसी चलने लगती है। यह सामान्य खांसी उचित परहेज करने और सामान्य सरल चिकित्सा से ठीक हो जाती है। अगर 8 से 10 दिन तक उचित परहेज और दवा लेने से भी खांसी ठीक न हो तो इसे गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर से सलाह लेकर सही उपचार करना चाहिए। दोस्तों, अभी जो मैं आपको दवाई बताने वाला हूँ वह दवा सूखी खांसी, जिसे कहते हैं काली खांसी, में ज्यादा काम करती है। अगर आपको गीली बलगम वाली खांसी है तो आप इस दवाई के साथ कफ सिरप ले ले तो उसमें भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, वह दवा एक ब्रांडेड कंपनी की तैयार दवाई है, उसका नाम है अक्सीर सुरफा पाउडर। दोस्तों, यह पाउडर दवाखाना तिबिया कॉलेज कंपनी का प्रोडक्ट है। यह पाउडर काली सूखी खांसी में बहुत फायदेमंद है, सीने पे जमे बलगम को खारिज करता है। अगर आप खांसी का इलाज कर कर के थक गए हैं तो इस दवाई को एक बार जरूर इस्तेमाल कीजिए, उम्मीद है आपकी खांसी में आराम हो जाएगा। इस पाउडर को कोई भी उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पाउडर का इस्तेमाल करने का तरीका, 1 चम्मच शहद ले, उसमें थोड़ा सा मतलब 0.5 ग्राम से भी कम मात्रा में पाउडर मिलाए और अच्छी तरह मिक्स करके उसे आराम से खाए। बच्चों को उम्र के हिसाब से दे। दोस्तों, नजला, जुकाम, खांसी के और भी कई नुस्खे हमने बताए हुए हैं। अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, हमारी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।